अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी शेफ ये किचन से। आज मेरे किचन में बनने जा रही है कढ़ी। बहुत मज़ेदार कढ़ी बनेगी इंशाल्लाह। मज़ेदार इंग्रेडिएंट्स हैं कढ़ी के, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और बहुत यूनिक और नए तरीके से बनेगी और बहुत मज़ेदार बनेगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कढ़ी के। मैंने लिया है आधा पाव बेसन, 3 पाव दही, 1 प्याज दरमियाने साइज की। मसालों में जो है वो मैंने लिया है 2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, और हल्दी है 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा लिया है मैंने भगार के लिए 2 टेबल स्पून, मेथी दाना है 1 टीस्पून, ऑयल है 1 पाव, और कड़ी पत्ता है जो बघार के लिए हमें चाहिए होगा, मोटी मिर्चें हैं 8 से 10 अदद जो हमें बघार के लिए चाहिए होंगी, और लहसुन है 1 टेबल स्पून, और मिर्चें हैं हसबे ज़रूरत, मैंने 3 ली हैं। ये मज़ेदार इंग्रेडिएंट्स हमारी कड़ी के हैं। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ऑयल जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 कप, इसमें मैं 1/2 लूँगी, थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है। अब इसमें मैं डालती हूँ प्याज डालती हूँ। प्याज तकरीबन कुछ सेकंड जो है वो मैंने सॉफ्ट करना है, 30 to 40 सेकंड इनफ है। फिर इसके बाद मैं बाकी चीज़ें ऐड करूँगी, वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ लहसुन, 1 टेबल स्पून लहसुन था, लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज हो, फिर मैं इसमें मेथी दाना ऐड करूँगी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मेथी दाना जो मैंने बताया था। इसको मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ब्राउन करना है। अब मैं जो है वो जो दही और बेसन था और उसमें हरी मिर्चें डाल के आपको दिखाती हूँ, जग में मैं ग्राइंड कर देती हूँ। और दही जो है वो थोड़ा सा खट्टा ही होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा नहीं कढ़ी के लिए, तो थोड़ा खट्टा दही हो तो कढ़ी बहुत मज़े की बनती है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ आगे क्या करना है, जो जो इसमें चीज़ें डलेंगी मैं आपको दिखाती हूँ। दही जो मैंने आप लोगों को बताया था और बेसन, और थोड़ा समय पानी ऐड करती हूँ, फिर मैं आपको ग्राइंड करके दिखाती हूँ। अदरक बताना मैं आपको भूल गई थी, मैंने अदरक भी लिया है। अदरक और 3 मिर्चें इसमें ऐड की हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह एक दफ़ा फिर ग्राइंड कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें मैं दही और बेसन ऐड करती हूँ, और मेथी दाने की खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, इसमें मिक्स करती हूँ। इसमें थोड़ा सा बॉईल आना शुरू हो, फिर मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी, और चम्मच आप लोगों ने हिलाते रहना है ताकि गुठलियाँ वगैरह जो है लम्स ना बने। इसको बॉईल आना शुरू हो, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं मसाले ऐड करती हूँ जो मैंने आप लोगों को बताए थे, और साथ ही मैं तकरीबन 1 लीटर जितना पानी डाल रही हूँ। और कढ़ी का ये जितनी अच्छी ये पकेगी उतनी मज़ेदार बनती है, और इतना अच्छा पकाना है कि बेसन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसे मैंने 1 लीटर पानी डाला है, इसे मैं पकने के लिए हल्की आंच पे छोड़ दूंगी। और हम कढ़ी बना रहे हैं पकौड़ों वाली, मैं आपको अब बेसन जो है पकौड़ों का वो बताती हूँ कैसे तैयार करना है, और इंशाल्लाह आखिरी में इसको लगेगा तड़का, भगार लगेगा, इंशाल्लाह कढ़ी हमारी बहुत मज़े की बनेगी। अब मैं इसको छोड़ देती हूँ स्लो फ्लेम पे। इसमें मैं बार बार चम्मच हिला रही हूँ ताकि लम्ब्स ना बने। आप लोगों ने भी चम्मच बार बार हिलाते रहना है, और अगर पानी कम हो तो, अगर पानी सूखने की तरफ आ रहा हो तो और पानी डाल सकते हैं, अगर थिकनेस हो तो, ज़्यादा आपको लग रही हो तो। अब मैं इसको फिर रख देती हूँ। अब मैं तैयार करती हूँ बेसन पकोड़ों के लिए। इसमें मैंने जो चीज़ें डाली हैं मैं आपको बताती हूँ। 2 टेबल स्पून
नमक है, दाड़ा मिर्च है 2 टीस्पून, 1 टेबल स्पून जो है वो मिर्चें हैं, मिर्च पाउडर, और 1 टेबल स्पून जो है वो इसमें मैं सूखा धनिया डाल रही हूँ। ये मैं हाथ से क्रश करके डालूँगी ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह आ जाए। और लिया है मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं, और मैंने धनिया लिया है वो ऐड कर देती हूँ, और मैंने लिए हैं 2 प्याज, और मैं पानी ऐड करती हूँ और मिक्स करती जाती हूँ। जितना चाहिए, जितना पानी मुझे चाहिए होगा, मैं इतना थिक ना हो और ना ज़्यादा पतला हो। और ये कराची की कढ़ी है, ये कढ़ी भी कराची की है। पंजाब में तो बेसन वाली कढ़ी लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं, ये रेसिपी भी कराची की है। वहाँ लोग जो है वो बेसन वाली कढ़ी, बेसन वाले पकोड़े इस्तेमाल करते हैं कढ़ी में, और बहुत मज़ेदार बनती है, और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। बेसन हमारा तैयार हो गया है, आप लोग देख सकते हैं, ना ये ज़्यादा पतला है और ना ये ज़्यादा थिक है, इसी तरह हमने रखना है। मैं फिर आपको दिखाती हूँ, और भगार भी लगेगा इसका, वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी। कढ़ी जो है वो पक रही है, तकरीबन इसे पकते हुए 1 घंटा हो गया है, और ये बहुत अच्छी थिक हो गई है, और इसको मैं मकई की रोटी के साथ हम लोग खाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में जब डिश आउट करूंगी मकई की रोटी के साथ। अब ये पक रही है, तकरीबन इसे मैंने 5 मिनट और पकने देना है। और दूसरी तरफ मैंने ऑयल रख दिया है पकौड़ों के लिए। अब इसमें मैं पकौड़े बनाती हूँ, मज़ेदार पकौड़े जो कढ़ी में और ज़्यादा मज़ा देंगे। इसको मैं डाल के पलट के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं, अब मैं इसको निकाल देती हूँ, फिर मैं एक और दफ़ा जो है वो फिर मैं डालूँगी, फिर मैं आपको तड़का लगाते टाइम दिखाऊँगी, और इंशाल्लाह फिर डिश आउट करेंगे कढ़ी। पकौड़े तैयार हो गए हैं, अब हम अपनी कढ़ी में ऐड कर देते हैं, और फ्लेम जो है वो स्लो है, मैं बस अब फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, उसके बाद मैंने तड़का लगाना है। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें मैं चीज़ें ऐड कर देती हूँ, ज़ीरा और मोटी मिर्चें। ये अच्छी तरह जब गोल्डन हो जाए, इसमें खुशबू आ जाए, फिर हम तड़का लगाएंगे। साथ डाल दिया है कड़ी पत्ता, वो कड़ी की शान है, कड़ी पत्ते के बगैर कड़ी अधूरी है। कड़ी पत्ते की जो खुशबू होती है उससे बहुत मज़ेदार और टेस्ट उबाला हो जाता है कड़ी का। तड़का लगा रहे हैं अब कड़ी को, मज़ेदार। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार कढ़ी की रेसिपी तैयार हो गई है, आप लोग देख सकते हैं, मकई की रोटी के साथ हम खाएंगे, और साथ मैंने रख दिया है देसी घी जो और मज़ा दुबाला करेगी कढ़ी का। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, जो देखने में ना सिर्फ खूबसूरत है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये कढ़ी की रेसिपी पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कई किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।